और मैं हूँ कविता एंड वेलकम टू आरजे कविताज ब्लॉग। और अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी जो फैमिली है, हमारी जो फैमिली है वो जमशेदपुर से आई हुई है और हम लोग आसपास घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो ऐसे में आज हमने डिसाइड किया कि क्यों ना जाया जाए चिक्का तिरुपति। होसकोटे से 25 किलोमीटर अंदर ये है, एक थोड़ा लाइक अंदर के एरिया में ये टेम्पल लोकेटेड है। ये जो टेम्पल है ये बहुत ही प्राचीन है, द्रविडियन आर्किटेक्ट से बना हुआ है ये टेम्पल। और चिक्का तिरुपति, चिक्का का मतलब होता है छोटा, तो तिरुपति जो टेम्पल है आंध्र प्रदेश में वो इसका छोटा वर्जन आप इसको कह सकते हैं। इस टेम्पल के अंदर पूजा की जाती है श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की और माता लक्ष्मी की। तो वेंकटेश्वरा स्वामी जो है वो भगवान विष्णु का रूप है यहाँ पर, तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी की यहाँ पर पूजा होती है। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना यहाँ पर जाया जाए, इस जगह को भी विजिट किया जाए। तो चलो हम लोग चलते हैं, आपको दिखाते हैं, दर्शन करवाते हैं श्री वेंकटेश्वरा स्वामी और माता लक्ष्मी की। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो हम लोग होकर आ गए हैं मंदिर, दर्शन बहुत अच्छे हुए और छोटा सा टेम्पल है, येट मज़ा ही आता है। मंदिर जाओ तो पीस, वो जो इनर पीस शांति वो तो मिलती ही है। तो मैं तो कहती हूँ कि हम सबको अपने बिजी शेड्यूल से एटलीस्ट एक दिन में कुछ घंटे, एक घंटे, हाफ एन आवर, 15 मिनट, जो भी आपको मिले वो निकालिए और मंदिर जाइए, ताकि आपकी जो सोल है ना, आपकी अंतरात्मा जो है उसको आप रिफ्रेश कर सको, अपनी अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाए और एक डिवाइन पावर हमारे अंदर आए, जो कि डेफिनेटली आप मंदिर जाओगे तो वो आप फील कर ही पाओगे। तो हम लोग घर आ गए हैं, अब डिनर की तैयारी हो रही है एंड हमने डिसाइड किया है कि आज बनने वाला है लिट्टी चोखा। एंड लिट्टी चोखा जो है वो बिहार का एक बहुत ही फेमस डिश है, नो इंट्रोडक्शन नीडेड, आजकल तो देश विदेश में मिलने लगा है। तो ये प्रेपरेशन हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं, चलो आपको दिखाते हैं, हमारा डिनर भी बन जाएगा, व्लॉग भी बन जाएगा, है ना, लेट्स गो। ये है सत्तू का क्या बोलते हैं, लिट्टी चोखा का मतलब सत्तू का फिलिंग, फिलिंग बैटर नहीं, फिलिंग है, बैटर तो लिक्विड हो गया। हाँ, तो ये सत्तू का फिलिंग है जो कि जाएगा आटे के लोई के अंदर और ये ऐसा शेप लेगा, मतलब इसके अंदर ये स्टफ हो जाएगा। और उसके बाद दो प्रोसेस होता है जो लिट्टी चोखा खाते हैं उनको पता होगा, एक तो उसको भट्टी में जला के बनाते हैं और दूसरा छान के। तो हमारे पास भट्टी वाला ऑप्शन नहीं है इसलिए तला हुआ लिट्टी बन रहा है, तो ये उसमें तला जा रहा है। दिशो एक्साइटेड है लिट्टी खाने के लिए और लिट्टी दिशो उसका स्टफिंग चख भी लिया है, 9 महीने का है बच्चा जो मिर्ची वाला स्टफिंग चख के गया है। अच्छा ये चोखा है, लिट्टी के साथ चोखा भी खाते हैं। हाँ तो इसमें क्या बताइए आप, पोटैटो, टमाटर और धनिया पत्ता, मिर्चा, अदरक लहसुन और मस्टर्ड ऑयल सबका मिक्स है। नमक, नमक नमक तो जरूरी है, नमक का बगैर कैसे बनेगा। वो सब मिक्स करके ऐसे इसको मैश करके ये चोखा है, ठीक है, और ये तल रहा है, यहाँ पे तला जा रहा है लिट्टी। और ये जो स्टफिंग है इसमें क्या बताऊँ,
इसमें सत्तू है, प्याज, मिर्चा, अदरक, लहसुन, धनिया पत्ता और सरसों तेल, अजवाइन, मंगरेला और अचार, आम का अचार और नींबू, उसको चटक कर हम लोग उसको मिलाए हैं और बनाया है। वैसे बन गया ये, और ये इसको स्टफ कर रही है ऐसे, धनिया पत्ता भी डाले हैं ऐसा, इसको स्टफ करके ऐसे राउंड राउंड करने का, बिहार का डिश है। और आजकल तो सब लिट्टी चोखा सबको ही पता है कि एक्चुअली मोस्ट बिहार का डिश है। हाँ, मोस्ट फेमस, हाँ मतलब हाँ, ये बिलोंग करता है बिहार को ही लिट्टी चोखा। अभी तो सब स्टेट में खाया जा रहा है, अभी तो सब स्टेट में मिल रहा है। बैंगलोर में भी 200 रुपए का 2 लिट्टी मिलता है, मतलब 100 रुपए का एक लिट्टी मिलता है यहाँ पे, और हमारे यहाँ मिलता है 10 रुपीज। हाँ, घी वाला, घी वाला, हाँ, क्योंकि हमारे साइड का ये ना, पहले झारखंड बिहार ही था, अब जो है वो झारखंड हो गया, तो इसलिए वहाँ पे बच्चों के लिए डोसा बन रहा है अब बच्चों के लिए, क्योंकि वो लिट्टी नहीं खाएंगे। और ये अभी भी फ्राई हो रहा है, हल्का कुरकुर बना जाएगा तब निकाल देंगे, हल्का रेडनेस आ जाएगा तो फिर ये निकलेगा। इसको लो फ्लेम में है ना, लो फ्लेम में उसको धीरे धीरे करेंगे तो ऊपर से ब्लैक हो जाएगा, अंदर कच्चा रह जाएगा, क्योंकि वो आटा है, आटा को लो ही, फिर वो आटा आटा टेस्ट आएगा, लो फ्लेम में खाने जा रहा है। मतलब इसके लिए अगर आपको लिट्टी तला हुआ बनाना तो आपको पेशेंस चाहिए, जला के लिए भी तो पेशेंस चाहिए, अलट पलट करने के लिए। गोईठा जलाएंगे, गोईठा वाला सबसे मजा आता है, पूरा बना के मचान पूरा हम लोग बना के उस गोईठा को, उसके बाद आग को पूरा गोईठा को जला के ठंडा करके, उसके बाद लिट्टी डाल के उसको धीमी धीमी आंच से सेका जाता है, बहुत गर्म रहता है, बहुत ज्यादा टेस्टी आता है। बोला था लिट्टी छन रहा है, और छनने के बाद ये है उसका फाइनल आउटकम, और क्रंची हुआ, कितना क्रंची है, और इसके अंदर ये सत्तू का स्टफिंग। तो हाँ, तो ये है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा, हम लोग घर में बनाते हैं, चोखा के साथ लगाइए और खाइए। हाँ, और इसके ऊपर इसको घी में डाल देते हैं, घी में डाल के खाएंगे, इसको घी में डाल के खा लेते हैं। वो फर्स्ट बैच ये सती, वो हमारी कढ़ाई छोटी है तो सेकंड बैच ये निकल, और दो चीज बनता है जैसे टमाटर प्यूरी बनता है और धनिया पत्ता चटनी बनता है, तो हम दोनों स्किप कर दिए हैं। हाँ, हम लोग थोड़ा शॉर्टकट में शॉर्टकट बना रहे हैं, अगर दोनों चीज डालते तो और बेटर लगता है। तो ये कंटिन्यू वहाँ पे बन रहा है लोई, ये हमारा टेस्टर है, ये सत्तू तो सब टेस्ट करके गया है, है ना। क्या बेटा, सत्तू खाएगा बेटा? हाँ, बोल भी रहा है, सत्तू खाएगा राजा? हाँ, लिट्टी खाएगा सोना? लिट्टी भी खाएगा, लिट्टी चोखा ट्राई किया हमने फर्स्ट टाइम यहाँ बैंगलोर में, एंड इट वॉज यमी, बहुत मजा आया। अगर आपने आज तक लिट्टी चोखा नहीं खाया है तो खाइए, बहुत ही यमी होता है एंड हेल्दी होता है, क्योंकि जो सत्तू होता है वो इट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। हाँ, थोड़ा तला होता है, घी होता है, बट ठीक है, आई मीन कभी कभार के लिए तो अच्छा ही है। बाकी ऐसे ऐसे भी लिट्टी के हेल्दी ऑप्शंस भी आते हैं जो कि सेक के बनते हैं, तो अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा तो ज़रूर ट्राई कीजिए। बैंगलोर में भी मिलता है, हाँ वो अलग बात है कि यहाँ 100-100 रुपये का एक लिट्टी मिलता है, बट हाँ एक अच्छा आउटलेट देख कर ट्राई कीजिए, या फिर रेसिपी जैसे हमने बताया वैसे आप घर पे भी बनाकर एक बार खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, श्री वेंकटेश्वरा स्वामी और माता लक्ष्मी के दर्शन करके अच्छा लगा होगा, उनकी जो कृपा है, आशीष है, हम सब पर बने रहें। इसी के साथ आज का ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। बाय फॉर नाउ, डायरेक्टर से बाय बोलो, बाय से बाय बाय ज्योति भूमि, बाय बाय।